नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिसिन जानकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आरबिसोन एल कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप किन किन बीमार में इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं, इस कैप्सूल का डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आती है। MRP की बात करूँ तो 86.70 रुपये इस कैप्सूल की MRP है। और इसमें सॉल्ट मिलाया गया है रबेप्रेजोल सोडियम 20 mg एंड लियोसल्फेट 75 mg इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। और इस दवा को मैन्युफैक्चर करता है यूनिसॉन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इस कैप्सूल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं आप किन किन बीमार में इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, बदहजमी की शिकायत रहती है, पेट में अल्सर हो गए, पेट में बार बार गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, हर्निया की प्रॉब्लम रहती है, खट्टी डकारे बार बार आ रही है, कड़वा पित्त है, पेट में जलन हो रही है, आंतों का अल्सर है, तो दोस्तों आप ऐसी बीमारी में इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल दिन में एक बार खाली पेट लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस कैप्सूल का उपयोग करें। दोस्तों, जान लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस कैप्सूल को लेने के बाद कब्ज, मुँह सूखा लगना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, दस्त लगना, इस कैप्सूल लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए, तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस कैप्सूल में मिला है कंटेंट से आपको पहले से कोई एलर्जी है, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप पहले से किसी भी प्रकार की मेडिसिन या गैस एसिडिटी की दवाई खा रहे, तो इस कैप्सूल का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो जान लेते किन किन लोगों को इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको दस्त का शिकायत है, पेट का कैंसर है, लीवर का रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, इस कैप्सूल का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस कैप्सूल को लेने के बाद गाड़ी ना चलाएं और भारी मशीन पर काम बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।